अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं हूँ आपका जेएसएम आकिब। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं एम आई नोट 8 प्रो रिपेयर करूँगा। तो फ़ोन में क्या इशू है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि किस वजह से इसको रिपेयर करना है। तो चलिए अब काम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि फ़ोन में क्या मसला है। तो फ़ोन में जैसे ही मैंने एक बार यूएसबी केबल लगाई थी तो फ़ोन पहले आधे एम्पेयर पे चला गया, फिर उसके बाद एक एम्पेयर पे। तो फ़ोन में क्या हो रहा है, वाइट लाइट ब्लिंक हो रही है और वाइट लाइट जल रही है। और क्या होता है जब ऑन बटन प्रेस करते हैं तो ब्लैंक डिस्प्ले आता है, जैसे लाइक मान के चलो जैसे मिपी की लाइन मिस है, सेम वैसा ही सीन हो रहा है। एम आई नोट 8 प्रो में क्या सीन है, इसमें MTK का प्रोसेसर लगा होता है और ये बैड वेल्डिंग की वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, और इसमें जो ये ब्लैक पेस्ट लगा होता है उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। या तो ये ड्रॉप डाउन होता है या तो कोई और सीन होता है कि जैसे किसी भाई से फ़ोन गिर जाता है या कोई और सीन होता है तो उस वजह से। तो किसी भाई ने इसमें ऑलरेडी सॉफ्टवेयर भी किया था तो उसने बोला सॉफ्टवेयर ओके हो गया तो भी फ़ोन ऑन नहीं हुआ। तो चलिए हम एक बार इसमें CPU रिबॉल करके देख लेते हैं। मान के चलो इस टाइम के जो फ़ोन आ रहे हैं जैसे नोट 10 आ रहा है, बाकी आ रहे हैं सैमसंग, कोई भी मान के चलो, इस टाइम सिर्फ CPU की प्रॉब्लम आती है और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। बट क्या सीन होता है, कभी कभार चार्जिंग का इशू आता है या नेटवर्क का इशू होता है या बैक लाइट का इशू होता है या मतलब कोई फ़ोन रिस्टार्ट होता है तो किसी में CPU का भी इशू हो सकता है, किसी में किसी कंपोनेंट का भी इशू हो सकता है, छोटे से छोटे कैप का भी इशू हो सकता है। यही ज़रूरी नहीं है कि मतलब CPU में ही प्रॉब्लम हो। तो इस टाइम मैं ब्लैक पेस्ट कट कर रहा हूँ, तो ब्लैक पेस्ट कट करने के टाइम आपको हीट रखनी है 250 और एयर आप रख सकते हो 60-70 के आसपास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा रिबॉलिंग की, रिबॉलिंग कैसे कर सकते हो और ब्लैक पेस्ट वाला CPU कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो CPU रिमूव करने के टाइम आपको क्या करना है, पहले आपको CPU को प्रीहीट करना है। प्रीहीट आप 250, 270, 280 पे कर सकते हो। आपको 270 या 250 हीट रखनी है तो पहले प्रीहीट आप करिए। प्रीहीट करने से क्या होता है, जो बोर्ड है, बोर्ड का सरफेस जो है वो गर्म हो जाता है, उससे आसानी हो जाती है CPU उतारने में, और IC पे भी कोई ये प्रेशर नहीं पड़ता है और कोई चांस नहीं होता है कि IC बर्न हो जाए। और जैसे ही प्रीहीट कंप्लीट हो चुका है तो हीट जैसे ही मैंने अप की, जैसे लाइक 350, 360 जैसी हीट रखी तो आसानी से CPU उतर गया, कोई प्रेशर नहीं देना पड़ा CPU को या कोई फोर्स नहीं करना पड़ा या स्क्रैपर नीचे नहीं डालना पड़ा, आराम से CPU उतर चुका है। तो आप क्या कर लेते हैं, जो इस पे एक्स्ट्रा सोल्डर लगी है इसको पहले लो मेल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर विक यूज़ करेंगे। जो हाई मेल्ट सोल्डर था उसको हमने कन्वर्ट किया लो मेल्ट सोल्डर में, तो अब विक यूज़ कर लेंगे, अब इससे आसान होगा सोल्डर रिमूव करना।
तो विक चलाने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि सीपीयू के आसपास जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो ना रिमूव हो जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही हमने विक कंप्लीट की तो उसके बाद हम अच्छे से एक बार जो पैड्स है सफाई करेंगे इनमें, क्योंकि एक्स्ट्रा जो शोल्डर था वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद जो ब्लैक पेस्ट लगा होता है अब वो रिमूव कर लेते हैं। तो सफाई हो चुकी है, अब क्या कर लेते हैं, जो ये ब्लैक पेस्ट है ब्लैक पेस्ट रिमूव कर लेते हैं। तो ब्लैक पेस्ट रिमूव कितनी हीट पे आपको करना है, 250 पे करना है। क्योंकि 250 पे क्यों करना है, उससे आपको इस चीज़ का फ़ायदा है कि आपसे कोई कैप मिस नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अगर आप हाई हीट पे ग्लू रिमूव करेंगे उस वजह से ये भी हो सकता है, अगर आपका ब्लेड कैप के साथ या रजिस्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो वो रिमूव हो सकता है या मिसप्लेस भी हो सकता है। तो कोई रजिस्टर क्लॉक पे भी लगा होता है, या मतलब कोई ऐसा कैप होता है जिसकी मतलब वोल्टेज के बिना सीपीयू ऑन नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसलिए आप या कोई कॉयल लगी होती है सीपीयू के आसपास, उस चीज़ का भी ध्यान रखना कि वो मिस ना हो जाए। तो ग्लू भी रिमूव हो चुका है, अब क्या कर लेते हैं, जो ये थोड़ी बहुत सोल्डरिंग है किसी पैड, कोई पैड में मतलब शॉर्टिंग आ चुकी है, तो लो मेल्ट सोल्डर यहाँ पे भी यूज़ करेंगे और विक ऊपर से घुमाएंगे हल्के से, तो इससे क्या होगा, इसमें पैड्स में शाइन आ जाएगा। तो पीसीबी पूरा साफ हो चुका है, मैंने आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है कि पीसीबी साफ हो चुका है पूरा। तो अब सीपी की तैयारी है, जो सीपीयू पे एक्स्ट्रा शोल्डर लगे हैं और ब्लैक पेस्ट लगा है ये रिमूव कर लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर है, लो मेल्ट सोल्डर यूज़ करना है, उसके बाद आपको विक यूज़ करनी है, उसके बाद आपको ब्लेड यूज़ करना है। कोई ब्लेड से रिमूव करता है, कोई विक से ही रिमूव करता है, कोई आयरन से ही ब्लैक पेस्ट रिमूव करता है, जिसकी जैसे इच्छा हो वो वैसा ही करे। बाकी आप कोई बंदा अगर
मेरे प्रोसीजर पे भी मतलब काम करना था, वो कर सकता है। बट अगर आप मतलब इसे कम टाइम में करते हो तो फिर आप वैसे ही करिए। तो CPU भी साफ हो चुका है, अब रिबॉलिंग का टाइम है। तो रिबॉलिंग के टाइम आपको क्या करना है, पहले एक टिश्यू पेपर लेना है। तो टिश्यू पेपर के ऊपर आपको CPU रखना है, उसके बाद CPU के ऊपर स्टेंसल रख देते हैं। तो ये आ गया CPU स्टेंसल के नीचे। अब इसमें PPD आपको फिल करनी है, तो PPD में 183 यूज़ करता हूँ। और PPD फिल करने के टाइम आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ठूस ठूस कर PPD फिल मत करें। बहुत भाई मुझे बोलते हैं हम जब रिबॉलिंग करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम इस वजह से आ जाती है कि जब आप PPD फिल करते हो तो आप एक तो प्रेशर देते हो और ठूस ठूस कर PPD फिल करते हो। उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपको वन टाइम में CPU रिबॉल होगा, आपको दोबारा CPU रिबॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो PPD फिल हो चुकी है, अब क्लोथ टाइप का एक टिश्यू लेते हैं, उससे ये जो एक्स्ट्रा PPD है ऊपर से ये साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम तो बॉल्स बनाने के लिए आपको हीट रखनी है 330 और एयर रखना है 40 या 50। तो बॉल्स भी बन चुकी है, अब थोड़ा बहुत फ्लक्स इसमें से क्या होगा, कोई अगर बॉल कनेक्ट नहीं हुई होगी तो वो भी कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जी हमारा CPU प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है। अब बारी आई वापस PCB में लगाने की। तो ग्लू कट करने के टाइम कैप एक रिमूव हो चुका था, तो ये कैप वापस लगा लेते हैं पहले। तो कैप लग चुका है, अब PCB पे थोड़ा बहुत फ्लक्स डाल लेते हैं।
उसके बाद सीपीयू को वापस लगाएंगे। तो सीपीयू लगाने के टाइम पहले आपको अच्छे से एक बार अलाइन करना है, सेम बाद फिर से हीट 350 और एयर 50 या 40 रख लीजिए और कंफर्मेशन के लिए हल्का सा शेक करेंगे सीपीयू को, उससे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सीपीयू लग चुका है या नहीं। तो सीपीयू लग चुका है प्रॉपर, अब वापस पीसीबी को फ़ोन में लगा लेते हैं और ऑन करके देख लेते हैं। तो ये जी फ़ोन हो गया ऑन, और आप लोगों को अगर किसी एंगल से वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए वीडियो में जल्दी से।